أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين पनाह पकड़ता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बेहद मेहरबान बार बार रहम करने वाला है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों की हाजिरी ली, खबरगीरी की, तो कहा कि मुझको क्या हुआ कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा हूं या वो गायब है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत इंसानों पर, जिनों पर, परिंदों पर, जानवरों पर, सब पर थी। और अम्बिया अलैहिस्सलाम जिम्मेदार हुआ करते हैं और एहसास जिम्मेदारी की वजह से वो खबरगिरी भी किया करते हैं, जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में भी है कि आप सहाबे किराम के अहवाल का तफक्कुत फरमाते थे, खबरगिरी करते थे और रातों को उठकर गलियों में भी तशरीफ ले जाते थे ताकि जायजा ले सके। और बाद के दौर में हजरत अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हुमा के बारे में भी ये बात बनती। हजरत उमर रातों को जो गश्त किया करते थे वो यही खबरगिरी थी और ये भी फरमाते थे कि अगर दरियाए दिजला व फरात के मौजों में आकर कोई बकरी का बच्चा मर जाएगा तो मुझसे पूछा जाएगा। एहसास जिम्मेदारी और एहसास जवाबदेही। और चूंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत हर तरफ फैली हुई थी और वसी सल्तनत थी, इसलिए वो खबरगिरी का पूरा एहतमाम करते थे और निगाह ऐसी बारीक थी कि हर चीज का पूरी तरह जायजा लिया करते थे। इस आयत से ये बात भी निकलती है कि हाकिमों को अपनी रियाया का और असातिज़ा को अपने शागिर्दों का और मशायख को अपने मुरीदों का हाल अहवाल लेना चाहिए, निगाह रखना चाहिए, इसलिए कि जो मातहत हैं उनकी खबरगिरी जरूरी है, निगरानी भी जरूरी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हाजिरी ली और हुदहुद को गैर हाजिर पाया। हुदहुद की जरूरत पानी की तलाश के लिए पड़ी थी।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज के लिए तशरीफ ले गए थे और हज से फारिग होकर वापस हो रहे थे और सनआ मकाम पर उनका कयाम हुआ। हज करके मक्के से चले थे सुबह के वक्त और जवाल के वक्त सनआ पहुंच गए, इसलिए कि उनका तख्त तो हवा पर उड़ता था और जवाल के वक्त वहां उतरे, सरसब्ज तो शादाब इलाका था, तो उन्होंने ये ख्याल किया कि नमाज भी पढ़ने और खाना भी खा लें। नमाज के लिए पानी की जरूरत हुई कि वजू किया जाए, जो साथ में लश्कर था उसका जायजा लिया और हुदहुद की ये खासियत है कि वो पानी को बखूबी तलाश कर लेता है। हुदहुद ऐसा परिंदा है कि जिसकी निगाह बहुत तेज होती है। माहिर हैवानात कमालुद्दीन दिमियरी ने लिखा है कि वो पानी को जमीन में इस तरह देख लेता है जैसे इंसान ग्लास के पानी को देखता है, इतनी तेज नजर होती है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब पानी की जरूरत होती थी तो उसी को इस्तेमाल करते थे और वो जहां जाकर जमीन को चोंच से कुरेदता था, जिन्नातों को हुक्म होता था कि यहाँ खुदाई करो, तो ऐसा था नहीं कि भाई उसने चोंच से कुरेदा और निशानदेही की, अब इंसान खोदेंगे तो दो दिन के बाद पानी निकलेगा। उनके साथ तो जिन्नातों की फौज भी होती थी, कह देते थे कि खुदाई करो और झट से खुदाई की जाती थी और पानी निकल आता था। हुदहुद की खुसूसियात हैं, अरब कहते थे अब सरु मिन अल हुदहुद, कि ये जो है हुदहुद से ज्यादा देखने वाला है, तेज नजर है, ज़र्बुल मसल है कि इसकी निगाह हुदहुद से ज्यादा तेज है। ये कहते थे कि ये हुदहुद से ज्यादा सजदा करने वाला है, इसलिए कि वो चोट ज्यादा मारता है, तो जो ज्यादा सजदा करता है उसको उससे तशबीह देते थे। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनके तस्करे में ये बात है कि उनकी वालदा ने ख्वाब देखा था उस वक्त जबकि वो उम्मीद से थी कि उनके उनके पेट से हुदहुद पैदा हुआ, तो किसी से जिक्र किया। ख्वाबों की दुनिया भी अजीब होती है, किसी से जिक्र किया कि ये ख्वाब मैंने देखा है, वो बड़ा माहिर था, उसने कहा ये अलामत है कि तुम्हारे यहाँ ऐसा बच्चा पैदा होगा जो बहुत सजदा करेगा। चुनांचे वो बुजुर्ग पैदा हुए जो रोजाना नवाफिल 100 रकत और बाज रिवायतों में है कि 400 रकत पढ़ते थे, सजदों की कसरत थी। उस ताबीर ख्वाब बताने वाले की महारत भी देखी कि उसका जहन कहाँ तक गया, और जो ताबीर दी वो ताबीर बेआईनी सामने आई। हयातुल हैवान में हुदहुद का ये दिलचस्प किस्सा भी लिखा है कि एक मरतबा हुदहुद ने हजरत सुलेमान को दावत दी और हजरत सुलेमान ने पूछा कि अकेले मेरी दावत है या लश्कर की भी और फौज की भी, कहा सबकी दावत, सब आ जाएगा। उसने उन्होंने कहा कि तुम कैसे खिला सकोगे, कहा हो जाएगा, इंतजाम हो जाएगा, आइए। मकाम दावत पे सब पहुंचे और जिन भी पहुंचे और उनके लश्कर और फौजें भी, हुदहुद हवा में उड़ा और उसने एक टिड्डी का शिकार किया, टिड्डी उसका शिकार किया और समंदर में उसने उस टिड्डी को डाल दिया और सुलेमान से कहा कि खाना हाजिर है, अगरचे के गोश्त सब के हिस्से में नहीं आएगा मगर शोरबा तो मिल ही जाएगा। बिस्मिल्लाह,
एक साल तक हजरत सुलेमान अलैहि सलाम इस वाक्य को याद करके हंसते थे कि ऐसी दावत हुई। जो खाता था उसने दावत भी उसी की और टिड्डी शिकार करके उसने समंदर में फेंक दी, वो कांटे खाइए, गोश्त सबको नहीं मिलेगा मगर शोरबा सबको मिल जाएगा। तो हुदहुद जो है उसकी ये खासियत है कि वो पानी को तलाश कर लेता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से नाफे इब्ने अजरक ने पूछा या नजदा हरूरी ने पूछा, दोनों रिवायतें हैं, जाहिज ने किताबुल हैवान में नकल किया। सवाल किया कि आप कहते हैं कि पानी को इतनी गहराई में हुदूद देख लेता है, तो फिर क्या वजह है कि जमीन पर लगे हुए जाल में फंस जाते हैं? जब गहराई के पानी को देख ले रहा है तो जाल क्यों नहीं नजर आता? हजरत ने फरमाया इज़ा जाअ अल-क़दर अमिय अल-बसर, जब तकदीर आ जाती है तो आंखें अंधी हो जाती है। जब तकदीर का लिखा हुआ सामने आता है तो इंसान की सलाहियतें धरी के धरी रह जाती। तो हुदहुद को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसलिए बतौर खास तलाश किया कि पानी की जरूरत थी, और मालूम हुआ कि वो गायब हुआ। ये कि ये उड़ा और उड़ता चला जा रहा था कि नजर पड़ी एक बड़ी आलीशान बस्ती है और बहुत ही बेहतरीन मकानात थे, बहुत बड़े बड़े लश्कर और फौजें उसने देखी, हैरत में पड़ गए। मालूम हुआ कि यहाँ कौम सबा आबाद है, सबा आबाद है, और यहाँ एक औरत की हुक्मरानी है। सारी तफसीलात उसने मालूम की और बड़ी शान शौकत के साथ ये औरत बिल्किस नाम का हुक्मरानी करती। बिल्किस के बारे में ये बात है कि वो जिन्निया माँ की बेटी थी, बाप उसका इंसान था और माँ जिन्नी थी, और वो बादशाहों के खानदान से थी। बल्कि जब ये हुक्मरान बनी, इसने हुक्मरानी का दावा किया, बाप फौत हुआ होगा तो इसने हुक्मरानी का दावा किया, तो कुछ लोगों ने इसकी हुक्मरानी को तस्लीम नहीं किया और एक आदमी ने अपनी बादशाहत का मर्द ने अपनी बादशाहत का दावा कर दिया और कुछ लोग उसके साथ हो गए। नतीजा यह हुआ कि सल्तनत दो हिस्सों में तकसीम हो गई। बिल्किस ने बड़ा खतरनाक वार किया और खतरनाक दाव उसने खेला। उसने उस बादशाह को खत लिखा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं, शादी करना चाहते हैं। उसको ये उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसी बात पेश आएगी, इसलिए कि उसने तो इख्तलाफ करके सल्तनत अलग की थी, इसलिए कि तुम शरीफ आदमी हो और एक सल्तनत के बादशाह भी हो, तुम मेरे बराबरी के हो, हम सब हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और शादी करने का फायदा यह होगा कि दोनों सल्तनतें एक हो जाएंगी, जो तकसीम हुई है वो खत्म हो जाएगी, और तुम अपनी कौम को जमा करके, अपने रियाया को जमा करके ऐलान करो। चुनांचे उसने अपनी रियाया को जमा किया और उनके सामने ये बात कही कि मैं मलका बिल्किस से शादी करना चाहता हूँ। रियाया ने कहा ऐसा नहीं होगा, वो कभी आपका पैगाम निकाह कबूल नहीं करेगा, बहुत खुसर खातून है और बहुत कर फर और शान शौकत की औरत है। उसने कहा कि खुद उसने पैगाम भेजा है, निकाह की बात चल रही है, और रियाया भी खुश हुई, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। चुनांचे शादी हुई और मलका बिल्किस रुखसत होकर गई और अपने साथ
बहुत सारे सिपाही और फौज लेकर के। और जब वहां पहुंची तो उसने उस आदमी को खूब शराब पिलाया, और जब वो नशे में आ गया तो उसके गर्दन काट दी। और सिपाहियों के साथ वापस हुई और उस इलाके में भी अपनी हुक्मरानी कायम कर। कुरान ने कहा ना इन कैदकुन अजीम, औरतों का मकर बहुत बड़ा होता है। कैदकुन अजीम, कुरान में दो बातें कही गई। शैतान के मकर के बारे में कहा कि वो ज़ईफ है, और औरतों के मकर के बारे में कहा कि वो बहुत बड़ा है। इससे अंदाजा कीजिए कि औरतों का मकर कैसे। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसने हुदहुद ने सारी चीजें देखी और इसी वजह से वापसी में देर हो गई। उधर हजरत सलमान अलैहि सलाम ने जब गैर हाजिर पाया तो कहा मा लिया ला अरा अल हुदूद, मुझे क्या हुआ कि मैं हुदूद को नहीं देख रहा। मुफस्सिरीन ने यह बात लिखी है कि ये मौका तो ये कहने का था कि हुदूद को क्या हुआ कि वो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हजरत सलमान ने कहा कि मुझको क्या हुआ कि मैं हुदूद को नहीं देख पा रहा। इससे मुफस्सिरीन ने यह नुक्ता निकाला है और खास तरीके पर आरिफीन ने और मशायख ने कि जब अल्लाह ताला के मुकर्रर बंदों को किसी नेमत में कोई कमी महसूस होती है तो वो अपने आप पर गौर करते हैं कि हमसे कहां गलती हो रही, हमसे कोई कसूर तो नहीं हो रहा है जिसके नतीजे में नेमत वापस नहीं गई। कुर्तुबी ने इस मौके पर नकल किया है इब्ने अरबी का जुमला कि इज़ा फ़क़दू आमालहुम तफ़क़दू आमालहुम, कि जब मुकर्रबीन बारगाह इलाही औलिया आरिफीन कामिलीन औलिया बुजुर्गान दीन वो अपनी उम्मीदों और इनामात और अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाले एजाज़ इकराम में कमी पाते हैं तो अपने आमाल की खबरगिरी करते हैं कहाँ कमी होने। हज़रत सुलेमान को भी जो बादशाहत दी गई थी वो मिन जानिब अल्लाह थी, और इनामात इलाहिया उन पर बारिश की तरह बरसाए गए थे, और मुख्तलिफ हैवानात पर उनको गलबा अता किया गया था और हैवानात उनके लिए मुसख़र किए गए थे। जब उन्होंने उसमें से हुदहुद को कम देखा यानी एक किस्म उन्होंने नहीं पाई तो उनको उसमें यह एहसास हुआ कि कहीं कोई कमी तो नहीं हो रही, तो इसीलिए कहा कि मान लिया ला अरा अल हुदूद, मुझे क्या हुआ कि मैं हुदूद को नहीं देख रहा। हम कान मिन अल गाइबीन, या वो सिरे से गायब है। रिवायतों में ये बात मिलती है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गिद्ध को तलब किया वो परिंदों की जमात में निगरानी के लिए रखा गया था, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है तो उसी तरह था। उससे पूछा किधर है, उसने कहा कुछ पता है। औकाफ को बुलाया जो बहुत तेज नजर और बुलंद परवाज वाला परिंदा है, वो परिंदों का सरदार है, हुदूद कहाँ है। उसने कहा इल्म तो नहीं है लेकिन मैं जायजा लेता हूं। चुनांचे वो बहुत ऊंचा उड़ा यहां तक के नीचे ये चीजें एक गिलास के मानिंद नजर आने लगी, इतनी ऊंचाई पर गया। और फिर उसने दाएं बाएं देखा तो एक जानिब से हुदहुद आता हुआ नजर आया। औकात ने चाहा कि उस पर झपट पड़े और उसको नुकसान पहुंचाए, उसने कहा ठहर जाओ पहले मेरी गुफ्तगू सुन लो।
औकाब ने कहा हजरत सुलेमान बहुत नाराज हैं और उन्होंने कह दिया है कि मैं सख्त सजा दूंगा ये ज़िबह करते हैं। हुदूद ने कहा अच्छा, उन्होंने कोई इस्तिस्ना नहीं किया, यानी सिर्फ ये कहा है कि मैं ज़िबह कर दूंगा या और भी कुछ कहा? तो उसने कहा कि हाँ ये कहा है कि अगर कोई उज्र पेश करे तो बात है। कहा मेरे पास उज्र है, मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाओ, मुझे ले चलो। चुनांचे औकाब हुदूद को लेकर हजरत सुलेमान के पास आए। हजरत सुलेमान ने देखा तो गुस्से में तो थे ही, उन्होंने उसका सर पकड़ के अपनी तरफ खींचा, सख्ती का इरादा किया। तो हुदूद पुकार उठा कि अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के सामने अपने आप की हाजिरी को याद कर दीजिए। बस सुलेमान अलैहिस्सलाम खौफ खुदा से लरज गए और कहा कि कोई उज्र है? उसने कहा हाँ मेरे पास उज्र है। उसके बाद उसने सबा की और मलके सबा की और वहां की तमाम चीजों की रुदार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुनाई। लऊअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, मैं उसको सख्त सजा दूंगा। हजरत सुलेमान कहते हैं कि मैं सख्त सजा दूंगा, औला अज़बहन्नहु औला यातियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन, या उसको ज़िबह कर डालूंगा या फिर वो लाए मेरे पास कोई खुली हुई सनद, यानी कोई उज्र लेकर आए तो बात दूसरी है, वरना फिर मैं सजा दूंगा और या तो फिर ज़िबह ही कर डालूंगा। मैं कल ये बात दर्ज कर चुका कि आयत से ये बात निकलती है कि अगर कोई आदमी किसी गलती में पकड़ा गया है तो उसको सफाई पेश करने का मौका दिया जाए, उज्र पेश करने का मौका दिया जाए, अपनी बात वो पेश करे। فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ, फिर बहुत ज्यादा देर उसने नहीं की। فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ, फिर कहा कि मैं एक चीज की खबर लाया हूँ जिसकी खबर आपको नहीं है। وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ, और मैं आपके पास सबा से एक तहकीकी खबर लेकर आया हूं। ये एक कौम थी, उनका वतन अरब में था, यमन की तरफ, हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब ने लिखा है, और उनको ये देख कर आया था जैसा कि मैंने अर्ज किया। से ये बात बयान करते हैं कि अगर किसी छोटे को किसी ऐसी चीज का इल्म है जो बड़े को नहीं है, तो वो कह सकता है कि मेरे पास एक ऐसा इल्म है जो अभी आपको नहीं है। इस आयत से ये बात निकलती है, और ये बात भी मालूम होती है कि अंबिया अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब नहीं है कि हर चीज का उनको इल्म, वो बस उतना ही जानते हैं जितना अल्लाह ने उनको बताया। और करीब की आबादी की खबर हजरत सुलेमान को नहीं थी, इसका जवाब भी मैं दे चुका कि खुदा ताला जब चाहता है किसी चीज को निगाह से छुपा देता है, इसलिए कि सब कुछ जानने वाली जात सिर्फ अल्लाह की। अब इसने पूरी तफसील वहां की बताई कि एक ऐसी सल्तनत कायम है और वहां बहुत बड़ी फौज है, लश्कर है, और एक खातून बड़ी शान शौकत के साथ वहां हुकूमत करती है, बिल्किस उसका नाम है। ये तफसील यहाँ आ रही है, इन्नी वजदतु इम्रातन तमलिकुहुम वउतियत मिन कुल्ली शैइन वलहा अर्शुन अज़ीम, मैंने एक औरत को पाया कि जो उन पर बादशाहत करती है और उसको हर चीज मिली हुई है, हर चीज यानी दौलत, इज्जत, शान शौकत, हुस्न जमाल, फौज, लश्कर, रोग दबदबा, एक जुमले में सब जमा कर दिया। उतियत मिन कुल्ली शय, हर चीज में से उसको हिस्सा मिला हुआ है। और मैंने बताया कि ये खातून जो है वो जिन्निया औरत के बक्म से पैदा हुई थी। अब यहां मुफस्सिरीन ने एक बहस ये छेड़ी है कि किसी इंसान का जिन्निया से निकाह हो सकता है, और उसमें मुख्तलिफ अक़वाल बयान हुए हैं, और आकामुल मरजान में भी इस पर तफसीली बहस है।
लेकिन ज्यादा वाज बात यह है कि ये निकाह ठीक नहीं, इसलिए कि वो आग से पैदा हुई मखलूक है। और दूसरी बात यह भी है कि जिन्नात के यहां इससे ये पता चलता है इस तफसील से जो बिल्किस के बारे में बयान की गई कि जिन्नात के यहां तवालुद व तनासुब का सिलसिला है, यानी उनके यहां भी औलाद पैदा होती है, इसलिए कि इसकी मां जिन्निया थी बिल्किस की मां। और बस तफसीली रिवायतों में ये बात है कि जो नस्ल इस तरह से चली थी उनके खुर जानवरों की तरह होते थे, पैर उनके जानवरों के खुर की तरह होते थे। फिर एक और मामला इसमें यह है कि औरतों की हुक्मरानी काबिल कबूल है या नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सिलसिले में ये बात इरशाद फरमाई, किसरा जो बादशाह था जब मरा तो उसकी बेटी उसके जगह हुक्मरा बनाई गई। किसरा को तो मारा था उसके बेटे ने और वो उसकी जगह हुक्मरा हुआ। हुजूर ने फरमाया था इज़ा हलका किसरा फला किसरा बाद। ईरान का बादशाह उस जमाने में सुपर पावर ताकत समझा जाता था, सबसे बड़ी सल्तनत उसकी थी। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तबलीग के लिए खत लिखा था तो उसने नामे मुबारक को चाक कर दिया, फाड़ दिया और ये कहा कि ये कौन है अरब का शख्स, बदतू अरबी अलयाज बिल्ला, तहकीर की कि जो हमारे नाम से पहले अपना नाम लिखता है। हुजूर खत लिखते थे तो पहले अपना नाम लिखते थे और फिर मकतूब एलैह का नाम लिखते थे। और सुलेमान के खत का भी अभी जिक्र आएगा, उसमें भी उनका नाम पहले है। और ये बात खत लिखने के सिलसिले में अदब के तौर पर या हिदायत के तौर पर बयान हुई है कि कातिब यानी लिखने वाला पहले अपना नाम लिखे, फिर जिसकी तरफ खत लिखा जा रहा है उसका नाम लिखे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह खत लिखते थे। तो जब बादशाह ईरान के बादशाह को हजरत ने खत लिखा उसी तरह लिखा, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह इला अजीम किसरा। उसने ये देखा तो तकब्बुर से तो भरा हुआ था, उसने कहा कि ये कौन शख्स है जिसको इतनी हिम्मत है कि हमारे नाम से पहले अपना नाम लिखता है। किरा जोहरा के नई एहतमामम नवेसत नाम खुद बाला नामम, शाहनामे में शेर है कि किसको ये हिम्मत है कि वो हमारे नाम से पहले अपना नाम लिखता है। और फिर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इनको गिरफ्तार करके हाजिर करो। चुनांचे सिपाही आए भी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा जिसके हुक्म से तुम गिरफ्तार करने आए हो पहले उसकी खबर तो लो। हुजूर को जब ये इत्तला पहुंची कि आपका नाम है मुबारक उसने चाक कर दिया तो आपने फरमाया अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़हु कुल्ला मुमज़्ज़क़, अल्लाह ताला उसको भी इसी तरह उसकी सल्तनत को भी फाड़ दे जैसे उसने खत को चाक किया है। चुनांचे जवाल आया, पूरी सल्तनत पर जवाल आया और उसके बाद उसके बेटे ही ने उसको कत्ल किया। और बादशाह को भी अंदाजा हो चुका था कि बेटा मेरे खिलाफ चाले चल रहा है तो उसने भी चाल चली। जो उसका खास खजाना था उसमें उसने एक मर्तबान बड़े एहतमाम से रखवाया और उसमें जहर दवा की शक्ल में रख दिया और उस पर लिखवा दिया ताकत की दवा। और बड़े एहतमाम से आलीशान एहतमाम किया गया ऐसे कि बहुत ही कीमती और बहुत ही बेहतरीन दवा है, बहुत ही मुजर्रब।
और इधर इसने चाल चली और अपने बाप को खत्म कर दिया। चंद दिन गुजरे कि खजाने की सैर के लिए निकला, उसने ये एहतमाम देखा कि किस इस तरह दवा रखी गई। उसने ये समझा कि ये बेहतरीन और बहुत ही नफीस और ताकत की बड़ी मुजर्रब दवा है, तो उसने उसको इस्तेमाल किया और नतीजा निकला कि मर गया। फिर उसकी बहन तख्त पर बैठी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई कि वहां के लोगों ने किसरा की बेटी को अपना हुक्मरान बनाया, तो आपने इरशाद फरमाया कैफ युफ्लिहु कौमुन इज़ा वल्लौ अमरहुम इमरातन, कि वो कौम कैसे कामयाब हो सकती है जिसने अपना बादशाह अपना हुक्मरान एक औरत को बना लिया। इसी से उलमा ने यह बात निकाली है कि औरतों की हुक्मरानी दुरुस्त नहीं है। इमामत, खिलाफत, सल्तनत, हुकूमत ये उनके सुपुर्द नहीं की जाए। वो मलका है अपने घर में, वहां वो हुक्मरानी करें, लेकिन ये कि उनको बादशाह बना दिया जाए ये ठीक नहीं। इमामत दे दी जाए ये ठीक नहीं है। जो उनकी जिस्मानी साख्त है और जो उनका मिजाज और अंदाज है उससे ये चीजें मेल नहीं करती। वो बात बात में नाराज हो जाएंगी और बादशाह रहेंगी तो क्या क्या ना कर देंगी, और गुस्से में आ गई तो बहुत ही मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। इसलिए उनका हुक्मरान न होना मुनासिब है। और कुरान में इसका तज़किरा आना इसकी दलील नहीं है कि किसी औरत को हुक्मरान बनाया जा सकता है, इसलिए कि ये तो एक ऐसी खातून का जिक्र है जो उस वक्त तक मुसलमानी नहीं थी। उस वक्त तक ये साहिब ईमान नहीं थी। ईमान लाने का जिक्र तो आगे आ रहा है। वलहा अर्शुन अज़ीम, और उसका एक बड़ा तख्त है, उसका तख्त बड़ा अजीम शान था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से नकल किया गया 30 हाथ लंबा 30 हाथ चौड़ा था। और बस तफसीरी रिवायतों में ये बात है कि 80 गज लंबा था और 40 गज चौड़ा था, और सोने हीरे जवाहरात मरवारीद और तरह तरह के कीमती जवाहर उसमें लगे हुए थे, और जो उसको देखता था वो अशहश कर उठता था। इतना मजबूत और भारी तख्त था कि जिसको जिसकी नजर पड़ती वो मरहूब हो जाता। وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون। मैंने पाया उसको और उसकी कौम को कि सजदा करते हैं अल्लाह को छोड़कर सूरज के आगे, और शैतान ने उनके लिए उनके आमाल को खूबसूरत बना दिया है, फिर उनको रास्ते से रोक दिया है तो वो हिदायत नहीं पाते। यानी वो एक ऐसी कौम है जो मुशरिक है और जो आफ्ताब की सूरज की पूजा करती है। सुबह शाम वो लोग सूरज की परस्तिश करते थे और सूरज के आगे सर झुकाते थे। ये जो बात हुदूद ने बयान की ये दर हकीकत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिहाद के लिए आमादा करने के लिए गई कि आप बादशाह हैं और आप पैगंबर हैं और आपके होते हुए इतनी बड़ी कौम सूरज की परस्तिश कर रही है और अल्लाह ताला के आगे सर नहीं झुकाती है, ये क्या हो रहा है, आप तवज्जो दीजिए और इनका इलाज कीजिए। अल्लाह यस्जुदु लिल्लाहि अल्लज़ी يخرجوا الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون। क्यों ना सजदा करें अल्लाह को जो आसमानों में और जमीन में छुपी हुई चीज निकालता है और जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो और जो जाहिर करते हो। एक जानवर तक को यह अंदाजा है कि सजदा होगा तो सिर्फ अल्लाह के आगे होगा, कि वही आसमानों और जमीन की तमाम पोशीदा चीजों को जाहिर करने वाला है, और इंसानों के भी ऐसी चीजों को जो छुपाते हैं जो जाहिर करते हैं जानता है।
हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हुदहुद की रोजी रेत में से मिट्टी में से कीड़े निकाल कर खाना है, छुपे हुए होते हैं। हयातुल हैवान में है कि बसा औकात दो दो बालिश नीचे केचुआ छुपा हुआ होता है जमीन में और वो उसको देख लेता है और चोंच से कुरेदता है यहां तक कि उसको पा लेता है। तो ये जो बात हुदूद की जुबान से कहलवाई गई कि अल्लाह ताला की हस्ती वो है जो आसमानों और जमीन की छुपी हुई चीजों को निकालता है, इससे हुदूद की रोजी और इस बात में एक जोड़ है कि वो भी जमीन में छुपे हुए कीड़े निकाल कर खाता है और जाहिर है कि अल्लाह ही उसके लिए रोजी का इंतजाम करता है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अल्लाह है उसके अलावा किसी की बंदगी नहीं, बड़े तख्त का मालिक है, अल्लाह का तारुफ पेश किया गया। और चूंकि पीछे ये कहा गया था कि बिल्कीस का बहुत बड़ा तख्त है तो इसलिए ये खास तरीके पर कहा गया कि बड़े तख्त का मालिक अल्लाह है, यानी बिल्कीस के तख्त की क्या अहमियत और क्या हैसियत है, अल्लाह ताला तो अर्श अजीम का मालिक है। قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين, सुलेमान अलैहि सलाम ने कहा अब हम देखते हैं कि तूने सच कहा या तो तू झूठा है। इतनी लंबी चौड़ी दास्तान तो सुन ली लेकिन फौरन एतबार नहीं किया, कहा कि पहले हम देखेंगे कि तू सच बोल रहा है कि या तू झूठ बोल रहा है, अभी इम्तिहान लिया जाएगा। इम्तिहान क्या लिया जाएगा कि ये खत मैं देता हूं और तुम ले जाकर बिल्कीस को पहुंचाओ, मलका को पहुंचाओ। اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون, میرا یہ خط لے کر جاؤ پھر ان کے طرف ڈال دو, پھر ان کے پاس سے ہٹ جاؤ پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھ کر دیا اور خط بھیجنے سے پتہ چلا کہ مشرکین کو خط لکھنا दुरुस्त है, काफिरों को मुशरिकों को खत लिखना जायज है। फिर इंसानी अखलाक की कैसी रियायत की कि हुदूद को ये सिखाया कि खत दे दो तो सर पे खड़े मत रहना, अलग हट जाना ताकि उनको कुछ मशवरा करना हो मशवरा कर ले और फिर जवाब दें। तो कुरान की एक एक चीज में हिकमतें हैं, और सिखाया गया कि किसी के सर पे सवार न रहो, आम आदाब में से। बहुत से लोग होते हैं कि जाकर खड़े हो गए और कोई आदमी काम में मशगूल है उसको बोझ महसूस हो रहा है मगर ये खड़े हुए, कोई आदमी किसी जरूरी चीज में लगा हुआ है और ये जाकर उसके सर पे ऐसे सवार हो गए जैसे उससे कर्ज वसूल करना, ठीक नहीं, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में वजीफा पढ़ रहे थे और उनके यहाँ बड़े उसूल आदाब थे। कोई शख्स आया, उसने देखा हजरत वजीफा पढ़ रहे हैं, वो जाके हजरत के पीछे बैठ गए, हालांकि मना था, हजरत के यहाँ लिखी हुई हिदायत थी, मैं वजीफा पढ़ रहा हूँ, मैं मुताला कर रहा हूँ, मैं किताब लिख रहा हूँ, तो कोई मेरे करीब ना आए। तो बड़े उसूल जानते के आदमी थे। एक मर्तबा देवबंद के कोई बड़े आलिम उस्ताद उनसे मिलने के लिए आए, हजरत लिख रहे थे, वो आकर हजरत के पास खड़े हो गए, हजरत लिखते रहे लेकिन वो भी अल्लाह के बंदे खड़े ही रहे। हजरत ने निगाह उठा के देखा, कहा क्यों खड़े हो, बैठ गए। हजरत ने कहा बैठ क्यों गए, फिर खड़े हो गए। औरत ने कहा तुम्हारे खड़े होने बैठने ने मेरे सर में दर्द करती है। तो हजरत यहाँ उसूल जानते थे, वो शख्स ने ख्याल नहीं किया और जाके हजरत के पीछे बैठ गए। थोड़ी देर तो उन्होंने बर्दाश्त किया लेकिन जब तबीयत पे बहुत बोझ हुआ
वो उठकर खड़े हो गए और खड़े होकर पीछे गए और उसके पीछे जाके बैठ गए। अब उसको बड़ी परेशानी हुई, उसने कहा कि हजरत ये क्या? तो हजरत ने कहा जैसे तुमको उलझन हो रही वैसे मुझको भी उलझन हो रही, हाथ के हाथ इलाज किया। तो इंसान के जवाबित का और उसके आराम और राहत का ख्याल रखना चाहिए। यहां भी सिखाया गया कि खत दे देना तो जरा दूर हट जाना, उनके सर पे सवार ना हो। अब ये खत लेकर गया, मलके बिल्किस सो रही थी अपने महल में, आलिशान महल था उसमें सो रही थी, सारे दरवाजे बंद थे, तनहा थी और अपने आलिशान तख्त पर लेटी हुई है, सो रही, गहरी नींद में थी। हुदूद रोशनदान से दाखिल हुआ और उसने वो खत ले जाकर उसके सीने पर रख दिया। अब जो वो बेदार हुई और उसने सीने पर खत देखा, वो हैरान रह गई और उसने फिर खत पढ़ा और खत की इबारत भी कुरान मजीद ने नकल किए। अब उसने ले जाकर दे दिया, जब वो उठी उसने देखा वो खत पढ़ा तो लोगों को जमा किया अपने दरबारियों को, उनके सामने उसने कहा قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم कहने लगी ए दरबार वालों मेरे पास एक इज्जत वाला खत भेजा गया है सरदारों को, बाइज्जत लोगों को जमा किया। तफसीरों में के 12,000 उसके सरदार थे, 12,000 और हर सरदार के मातहत 1,00,000 फौज थी। अंदाजा कीजिए कि कितनी बड़ी फौज रही है। तो उसने उन सब के सामने ये बात कही कि मेरे पास एक इज्जत वाला खत आया है, इन्नहु मिन सुलेमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वो खत सुलेमान की तरफ से है और वो शुरू होता है अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इससे शुरू होता है। पूरे कुरान में बिस्मिल्लाह यही आया है, सूरत का जुज यही है, जो हर सूरत के शुरू में है उसके बारे में अइम्मा का इख्तिलाफ है कि वो हर सूरत का हिस्सा है या नहीं, लेकिन ये तो कुरान मजीद का हिस्सा है, इस पर सबका इत्तेफाक है। तो बिस्मिल्लाह से खत शुरू हुआ और हजरत सुलेमान ने पहले उसमें अपना नाम लिखा था। यही बात मैंने अर्ज की कि लिखने वाला पहले अपना नाम लिखे, उसके बाद तो खत का मजमून है, मक्तूब ले का नाम लिखे और जो बात है वो लिखते। और ये जो खत का मजमून है हजरत सुलेमान के, इससे ये भी पता चलता है कि बहुत लंबा खत न लिखा जाए, जितनी जरूरत हो बस उतनी बात कह दी जाए, खामखा खत को तवील न किया जाए। हाँ अगर जरूरत है ही फिर तफसीली खत लिखना है और सारी चीजें उसमें आ जाए तो फिर तफसीली खत लिखने की गुंजाइश है। अब यहाँ एक और मामला है, वो ये कि खत किस जबान में था। यहाँ तो अरबी में नकल हो रहा है, खत असलन किस जबान में था। तो मुफस्सिरीन ने ये कहा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अरबी नहीं थे, लेकिन अरबी जबान वो जानते थे और अरबी जबान में उन्होंने खत लिखा। ये भी हो सकता है कि कोई किसी और जबान में खत हो, लेकिन कुरान ने अपनी जबान में इसको नकल किया। और फिर इसमें खत लिखने के चंद आदाब व उसूल मालूम हुए। एक तो वही कि कातिब पहले अपना नाम लिखे फिर मक्तूब इलैह का नाम लिखे। दूसरी बात ये पता चली कि अगर खत किसी काफिर मुशरिक को लिखा जा रहा है तब भी उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने की गुंजाइश है। ये सोच कर के काफिर मुशरिक के पास खत जाएगा उसमें बिस्मिल्लाह ना लिखा जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं। इसलिए कि हजरत सुलेमान तो जान रहे थे कि ये लोग काफिर हैं, मुशरिक हैं, लेकिन बिस्मिल्लाह लिख कर भेजा। और फिर ये भी पता चला कि अगर खत
किसी बाइज़ शख्स की तरफ से आए तो उसको उसका एहतराम किया जाए, जैसा कि बिल्किस ने एहतराम किया। एक तो वो मुतासिर हो गई कि ये इतने अंदर इन्होंने खत भिजवा दिया, और फिर ये कि जो उसकी इबारत थी वो बिल्कुल दो टोक थी, दो और दो चार की तरह। इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तअदु अलैया व अतूनी मुस्लिम, बस इतने ही खत था, मुख्तसर मगर जामे, और उसमें हिदायत भी थी और धमकी भी थी कि हरगिज तुम सरकशी अख्तियार न करो। और मलका बिल्किस ने जब जमा किया सरदारों को तो ये कहा कि मेरे पास इज्जत वाला खत आया है, उल्की इलैया किताबों के लिए, इन्नहु मिन सुलेमान अल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये सुलेमान की तरफ से है, और वो ये है कि अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान बार बार रहम करने वाला है, अल्लाह तआलू अलैया वातूनी मुस्लिमीन कि मेरे मुकाबले में जोर न दिखाओ और मेरे सामने फर्माबरदार बनकर आ जाओ। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने लिखा है कि दुनिया में शायद इतना मुअस्सिर जामे और जोरदार खत किसी और ने लिखा हो जैसा हजरत सुलेमान ने जबरदस्त खत लिखा। सिर्फ दो सतरें हैं कि अल्लाह के नाम से ये खत है और जोर न दिखाओ, मुकाबले में ना हो वरना तबाह हो जाओगे, फर्मा बरदार बन के आ जाओ। वह तो नहीं मुस्लिम قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون। बिल्किस कहने लगी ऐ दरबार वालों मुझको मेरे मामले में मशवरा दो, मैं कोई काम तय नहीं करती तुम्हारे हाजिर होने तक, यानी जब तक तुमसे कोई राय मशवरा न कर लूं मैं कोई फैसला नहीं करती, तुम राय दो कि क्या किया जाए, खत आया है ऐसा ऐसा खत है क्या जवाब दिया जाए। قالوا نحن اولو قوه واولو باس شديد, दरबारियों ने कहा हम लोग ताकतवर हैं और सख्त जंगजू हैं, यानी लड़ाई में भी हम बहुत माहिर हैं और ताकत भी हमारे पास बहुत है। जाहिर है कि 12,000 सरदार और हर सरदार के पास 1,00,000 फौज, तो वो तो अपनी ताकत और कुव्वत के जोम में थे, उनको ये एहसास था कि हम बहुत ही मजबूत हैं। والامر اليك فانظري ماذا تأمري, और काम यानी फैसला आपके अख्तियार में है तो आप देख लीजिए कि आप क्या हुक्म करते हैं, यानी हमारी राय तो यह है कि हम भरपूर मुकाबला करेंगे, जवाब देंगे, और हम इनकी ताबेदारी नहीं अख्तियार करेंगे, कौन है हम देख लेंगे। ये जो दरबारी थे वो अपनी ताकत और कुव्वत और अपनी जंगी महारत और अपने फौज और अपने असलहे पर नजर कर रहे थे, लेकिन बिल्किस थी बड़ी जहीन खातून और समझदार भी थी और मुख्तलिफ पहलुओं पर नजर करने वाली थी। जाहिर है कि इतनी बड़ी सल्तनत वो चला रही थी तो औंगी बौंगी खातून नहीं होगी, समझदार जहानत थी उसमें। इंसान को अपनी ताकत और कुव्वत का मुतवाजिन अंदाजा लगाना जरूरी है। जो आदमी अपनी ताकत और कुव्वत का गैर मुतवाजिन अंदाजा लगाएगा नुकसान उठाएगा। तो बिल्किस को ये एहसास हो गया था कि सामने कोई मामूली हस्ती नहीं है, और उसने ये ख्याल कर लिया था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह नहीं है, उनके साथ कोई और कुव्वत भी है, इसलिए उसने वो राय कबूल नहीं की जो उसके दरबारियों की थी कि चलो हम मुकाबला करें, बल्कि उसने कहा एक दरमियानी रास्ता निकाला, ना तो ताबेदारी की बात और ना तो मुकाबले की बात, उसने दरमियान का एक रास्ता निकाला। قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة, कहने लगी कि जब बादशाह किसी बस्ती में
घुसते हैं तो उसको खराब कर देते हैं और उसके वहाँ रहने वाले इज्जतदार लोगों को बेइज्जत कर देते हैं। वो कजाली का ये फालून, और ये भी ऐसे ही कुछ करेंगे। यानी जब ताकतवर लोग किसी आबादी और बस्ती में घुसते हैं, किसी मुल्क को फतेह करते हैं, तो वो वहाँ चारों तरफ तबाही मचा देती है, और जो इज्जतदार हैं उनको जलील और रुस्वा कर देते हैं। तो जरा सोच समझ के फैसला करो। वो इन्नी मुर्सिलत इलैहिम बिहदीयतिन फनाज़िरतुन बिमा यरजिउल मुर्सलून, और मैं उनकी तरफ कुछ तोहफा भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या जवाब लेकर आते हैं भेजे हुए लोग। ये दरमियान का रास्ता निकाल कि ना तो हम ताबेदारी अख्तियार करेंगे और ना हम मुकाबले का जवाब देंगे, बल्कि हम एक वक्त भेजते हैं और बेहतरीन हदीये तोहफे भेजते हैं, और ये लोग जाएं वहां का जायजा लें, बादशाह को भी देखें कि वो कैसा है, और हदीये तोहफे भी पेश करें। उससे अंदाजा हो जाएगा कि बादशाह कितने पानी में, उसका जहन क्या है, उसका मिजाज क्या है, तौर तरीका क्या है, उसकी सल्तनत कैसी है। ये सब जायजा लेकर ये लोग आए। ये दरमियान का रास्ता उसने निकाला। चुनांचे बेहतरीन अनवा व अक्साम की चीजें, हीरे जवाहरात और न जाने क्या क्या सोने चांदी उसने हदीये तोहफे में एक वक्त के साथ हजरत सुलेमान को भिजवाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि वहां से हदीये तोहफे आने वाले, तो उन्होंने जिनों को हुक्म दिया कि सोने चांदी की ईंटें बनाई जाए। उनके यहाँ क्या कमी थी, वो तो सब जिन्नात तरह तरह की चीजें निकाल निकाल के लाते थे, और सोने चांदी जमीन से निकाले जाते थे, हीरे जवाहरात समंदरों से निकाले जाते थे, शयातीन गुते लगाते थे और समंदर के तहों में से हीरे जवाहरात निकाल कर लाते थे। तो कहा कि सोने चांदी की ईंटें तैयार की जाए, और मीलों मील तक सोने चांदी की ईंटें बिछा दी जाए। और फिर जिन्नात से कहा कि कौन सा हैवान सबसे अच्छा है, कौन सा जानवर सबसे खूबसूरत है। उन्होंने कहा कि हमने फुना जगह एक जानवर देखा था, वो बड़ा खूबसूरत था, काओ ढेर सारे जानवर पकड़ कर लाओ, और ये सब सोने चांदी की ईंटों पर उनको छोड़ दो और चारा भी डाल दो। वो सब जानवरों को वहां छोड़ दिए गए, और फिर हुक्म हुआ कि जिन्नात अपने बच्चों को लाके इर्द गिर्द खड़ा कर दे। और जिन्नात ने अपने बच्चे सब इर्द गिर्द लाकर खड़ा कर दिए, और फिर उन्होंने आलीशान दरबार लगाया। वो क्या शान शौकत थी, आलीशान दरबार उनका लगा। अब जब ये हदीये तोहफे तरह तरह के सोने चांदी हीरे जवाहरात लेकर आए, उसी रास्ते से आना था जहां सोने चांदी की ईंटें बिछाई गई थी, और जिन्नात के बच्चे सब खड़े हुए थे। जब वहां से गुजरे, उन्होंने देखा कि हम सोना चांदी हदीये तोहफे में ले जा रहे हैं, यहाँ तो सब जानवर सोने चांदी पे चल रहे हैं, गोबर कर रहे हैं, इनके यहाँ कौन सोने चांदी की अहमियत और कदर कीमत है। तो उनकी निगाह में उनके हदीये तोहफों की कदर कीमत घट गई, और उन्होंने समझ लिया कि हम जहाँ आए हैं वो कोई और चीज है। चुनांचे एहसास कमतरी का शिकार हो गए, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में जब पहुंचे, और उन्होंने देखा कि ऐसा आलीशान दरबार है जो कभी उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था जिसका, तो और ज्यादा मरहूब हो गए। फिर जब उन्होंने अपने तोहफे पेश किए, तो हजरत सुलेमान ने जवाब कह दिया, فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ تُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ। फिर जब सुलेमान के पास पहुंचा तो बोला, फिर जब सुलेमान के पास पहुंचा तो बोले कि क्या तुम मेरी माल से मदद करते हो, तो जो अल्लाह ताला ने मुझको दिया है वो बेहतर है उससे जो उसने तुमको दिया है। बलन तुम बेहदीयतिकुम तफरहून, बल्कि तुम ही अपने तोहफे से
खुश रहो, यानी जो तुम लेकर आए हो उसकी क्या कीमत है, अल्लाह ने मुझको जो दिया है वो तुमसे कहीं बेहतर है, और ये सब तुम वापस लेकर जाओ, तुम्हारा हदिया कबूल नहीं है। काफिर मुशरिक कोई तोहफा पेश करे तो उसको कबूल करने के बारे में उलमा ने शर्त रखी कि या तो उसकी दिलजोई मकसूद हो कि इस्लाम की तरफ इसको रغبत हो, और या कोई और मसलहत हो तो कबूल करे, वरना अमूमी तरीके पर कबूल नहीं करना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिक ने तोहफा पेश किया था, दो घोड़े थे, दो जोड़े थे, हजरत ने कहा मैं मुशरिक का हदिया नहीं कबूल करता। एक रिवायत में है कि एक शख्स ने पेश किया, आपने कहा तुम मुसलमान हो, उसने कहा नहीं, आपने कहा मैं मुशरिक का हदिया नहीं लेता। फिर बुखारी की शरह उम्दतुल कारी में इस पर तफसीली बहस है, और ये भी वाकयात दर्ज हुए हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकों के तोहफे कबूल फरमाए, ये भी रिवायतें हैं। तो दोनों किस्म की रिवायतों का हासिल ये निकाला गया कि जहां ये मसलहत हो कि इसका दिल मुतासिर होगा और इस्लाम की तरफ ये झुक जाएगा, वहां कबूल कर लिया जाए, या और कोई मसलहत हो तो कबूल कर लिया जाए, लेकिन जहां ये मसलहत ना हो वहां रद्द कर दिया जाए। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने जो रद्द किया वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मुशरिकों का तोहफा था, बल्कि इसलिए कि वो तोहफा नहीं रिश्वत थी, वो इसलिए थी कि ये ले लो और हम पर हमला न करो। चुनांचे हज़रत सुलेमान ने कहा कि जो कुछ तुम लेकर आए हो ये सब वापस लेकर जाओ, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और अल्लाह ने हमें जो कुछ दिया है यानी नबूवत, हिकमत, इल्म, दीन, सल्तनत, बादशाहत, हर चीज़ तुमसे बेहतर है, इसलिए तुम ले जाओ। يرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون। फिर उनके पास जा, अब हम उन पर लश्करों के साथ पहुंचेंगे, ऐसे लश्कर के जिनका मुकाबला उनसे नहीं हो सकेगा, और हम उनको वहां से बेइज्जत करके निकाल देंगे और वो जलील होंगे, छोटे होंगे, यानी कैदी बनाए जाएंगे, जिला वतन किए जाएंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने साफ साफ कह दिया कि तुम लोग लौट कर चले जाओ और अब हम मुकाबले के लिए आएंगे। अब जो वफद वहां पहुंचा और उसने सारी दास्तान सुनाई तो बिल्किस ने कहा कि मैं इसीलिए कह रही थी कि इनके मुकाबले में जाना आसान बात नहीं। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसका तख्त मंगवाने का इंतजाम किया, जो अर्श अजीम था उसको मंगवाने का इंतजाम किया, उसकी तफसील आगे आ रही है, उसको इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अजीम ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.